बड़वानी में राम जन्मभूमि को लेकर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सकल हिंदू समाज ने कोतवाली थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग पुलिस से की है। बड़वानी में आज सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता बड़वानी पहुंचे और वर्ग विशेष के एक महिला द्वारा अपने स्टेटस पर राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने की शिकायत करते हुए एक घंटे में कार्यवाही की मांग करी। साथ ही कहा गया कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो हम ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच कर जिसके द्वारा भी आपत्तिजनक पोस्ट की गई है उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बड़वानी से अतुल कमाउत की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है सकल हिंदू समाज बड़वानी में श्री प्रकाश त्रिवेदी के नेतृत्व में और आज राम मंदिर भूमि पूजन के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डालने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है जिसको प्राप्त किया गया है, जिसकी जांच कर जिनके द्वारा भी इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने ऐसी कल्पना करके लाखों कार सेवकों ने जो बलिदान दिया था उसकी परिणति के रूप में आज पूरे विश्व में हिंदू समुदाय हर्षोल्लास से सरोबार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि देश में किसी प्रकार का माहौल खराब न हो, लेकिन एक वर्ग विशेष जो हमेशा इस भारत देश को विभिन्न समयों पर अस्थिर करने का प्रयास करता रहा है और उसी कड़ी में भी आज एक इसी वर्ग की महिला ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्टें डालकर शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सत्ताधारी दल के लोग हैं, हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से उस पर कार्रवाई हो। हमने आज उसी तारतम्य में पुलिस थाने में एक आवेदन दिया है और ये चुनौती दी और जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि अगर एक घंटे में ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सारे राम भक्त हमारे आराध्य का पूजन अर्चन करते हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।